उनके घर में काम मिलेगा, लेकिन बात वही के धरी के धरी रह जाती है, मौत उनके पाले में आती है। यही तो विडंबना है। आज इतना गरीबी गुर्बत है, सरकार चुनाव में अनेकों तरह के वादा करती है कि यहाँ से हम पलायन को रोकेंगे, मजदूरों को मजदूरी देंगे, काम देंगे, व्यवस्था करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन बदले चुनाव खत्म होने के बाद मिलता क्या है? जो आपके सामने है, सुदर्शन राम को जान गंवाना पड़ा, पेट भरने के लिए, बाल बच्चा को पोसने के लिए मजदूरी करने आए। और मैं तो कह सकता हूँ कि यह कंपनी जो है घोर लापरवाह कंपनी है, चौथा घटना हुआ है, और इनके द्वारा कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है। जो मजदूर ऊपर चढ़ के काम करता है, न इनके द्वारा कोई सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है। और हम मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे कंपनी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और इन पर केस चार्ज किया जाए। क्योंकि अगर एक मजदूर मरता है तो यहाँ से 10 लाख, 11 लाख, 1 लाख दे करके उसका तो जान वापस नहीं हो सकता है, उसके बाल बच्चा का जीव का पार्जन भी नहीं हो सकता है। यह दुर्भाग्य है। और मैं तो कहता हूँ कि कंपनी के लगातार लापरवाही, बाई जबरदस्ती, और हम कहीं ना देखते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं सरकार भी इनको सुरक्षा मुहैया करा रहा है, जिसके कारण इनका मन बढ़ती पर है। इसलिए मेरा मांग है, और अभी हम लोगों ने इनसे लिखित रूप में, अभी हमारे मुखिया जी हैं शेख सूबे जी, और अभी सभी लोग यहाँ लिखित रूप में इनसे लिया है, और इन्होंने वादा किया है कि हम जो मांग है उसको मैं पूरा करूंगा, और अगर नहीं करते हैं तो अबर यहाँ का आंदोलन ही देखेंगे, और इनको बुरिया बिस्तर बांध करके हरियाणा जाना पड़ेगा। मांग पूरी जाती है गुरन जी, और परिवार को मुआवजा मिल जाता है, 100 यहाँ से चला जाएगा, परिवार लेके चले जाएंगे, अंतिम संस्कार होगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर वही, क्या उस परिवार का कोई पलायन नहीं करेगा? क्या उस गांव का कोई मजदूर बाहर नहीं जाएगा? आखिर इस त्रासदी पर कब रोक लगेगी? एक नेक नियति के साथ काम को निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ से पलायन जो एक अभिशाप हो गया है झारखंड प्रदेश के लिए, वह पलायन कैसे रुके? उद्योग लगाने की बात हो, धंधा लगाने की बात हो, इनको तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ गाल बजाना है, वोट लेना है, गरीब गुरुआ को ठगना है। इससे कल्याण नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार, जो अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आप देखे होंगे कि कितने लोक लुभावन उन्होंने भाषण दिया, वादा किया, लेकिन टाइम फिक्स हो गया, कहीं कुछ नहीं। आज गरीब का जान जा रहा है, अपराध उतना ही बढ़ गया है, सब चीज का बढ़ोतरी हुआ है, बलात्कार से लेकर के तमाम घटनाएं, यहाँ पूछना ही नहीं है, यह राज दूसरे दिशा की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे कंपनी को बढ़ावा दे करके और यहाँ के लोगों को जान ले रहे हैं। हम समझते हैं कंपनी के साथ साथ सरकार भी दोषी है, जनता इस पर जरूर विचार करेगी। सही बात है, जनता को विचार करने की जरूरत है कि यही जनता प्रतिनिधि चुनती है, और इस ख्याल से चुनती है कि अगली बार से हो सकता है हमारे लिए हमारे रहनुमा जिसे हम चुन रहे हैं वो सही वकालत करेंगे और हमारे हिस्से की बात करेंगे, हमारे हक की बात करेंगे, हमारे अधिकार की बात करेंगे। लेकिन बात होती नहीं है। हमें दो घटना आपको हम याद दिलाना चाहेंगे। गढ़वा जिले में भगवान घाटी की घटना, भगवान घाटी में घटना घटित थी 2014 में, जहां बिहार से धनकटनी कर वापस आ रहे थे मजदूर, वहां पर 30 मजदूरों की मौत एक साथ हो गई थी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद। पलामू जिले में घटना घटी थी लेसलीगंज में, जहां पर 23 मजदूरों की मौत हो गई थी। यह स्थिति है, यह केवल एक वानगी है। ऐसे हर महीने दो महीने में पलामू गढ़वा जिले का कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पर किसी गांव में किसी न किसी मजदूर का शव नहीं आता है बाहर से, सुदूर प्रदेशों से। आखिर कब तक यहां के मजदूर, यहां के युवा बेरोजगार रोजगार के आस में सुदूर प्रदेशों की खाट छानते रहेंगे? यह ज्वलंत सवाल है। चुनाव आपके सामने है, अब कुछ ही माह में चुनाव आने वाला है। रोड, नली और गली से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत होगी केवल एक विषय पर, वो विषय होगा रोजगार। अगर आपको रोजगार की गारंटी कोई नहीं देता है, अगर आपके पलायन रोकने की बात नहीं करता है, तो आपके पास विकल्प है, आप चुनाव मत कीजिए।
आखिर क्यों चुनाव करेंगे जब आपके हिस्से में रोटी कम और मौत ज्यादा आती है। धन्यवाद।